हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट किचन राजस्थानी में आपका स्वागत है। आज हम पर्पल गोभी की सब्जी बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक पर्पल गोभी ली है, एक कटोरी छीलकर मटर के दाने ले लिए हैं, एक प्याज को बारीक कट कर लिया, एक इंच अदरक का टुकड़ा मैंने लिया था उसको भी मैंने पतले लच्छे में कट कर लिया है, एक टमाटर को कट कर लिया है, दो चम्मच भरकर मैंने लहसुन का पेस्ट लिया था वो मैंने पेस्ट बना लिया लहसुन की कलियों का। अब सबसे पहले हम गोभी को कट करेंगे। ऊपर का इसका पत्ता होता है वो हम निकाल देंगे, मैंने दो तीन बार इसको पहले से धो लिया है। आगे का डंठल हम हटाएंगे। गोभी को मैंने दो टुकड़ों में कट कर लिया है, जितनी बाहर से सुंदर लग रही थी उससे भी ज्यादा सुंदर ये कट करने में लगती है। अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। गोभी को हमने कट कर लिया है। अब हम गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे, एक चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, एक चम्मच भरकर जीरा डाल देंगे। जीरा तड़कने के बाद अब जो हमने प्याज और अदरक को कट करके रखा था डाल देंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारी भुन चुकी है, इसका कलर जो चेंज हो चुका है। अब जो हमने लहसुन का पेस्ट लिया था वो डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए इसको हम भून लेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसमें मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, एक चम्मच भरकर लाल मिर्च का पाउडर और एक चम्मच भरकर ही धनिया पाउडर। हमें कश्मीरी मिर्च नहीं डालनी है क्योंकि हमारी गोभी का कलर पहले से ही लाल है, इसलिए उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अब हम मसाले को इतना भून लेंगे जब तक कि इसमें तेल निकलना स्टार्ट हो जाए। मसाले हमारे भून चुके हैं। अब जो टमाटर को काट कर रखा था टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी हम मसाले के साथ में भून लेंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद हमारे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए टमाटर डालते ही तुरंत नमक डालते हैं। अब इसको हम ढककर पकाएंगे। टमाटर को हमने 5 मिनट तक भून लिया है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। कढ़ाई में तेल भी ऊपर तैर रहा है, मसाले के साथ में हमें टमाटर को इतना ही भूनना है। अब जो हमने हरे मटर छील कर लिए थे मटर डाल देंगे, मसाले के साथ में मिक्स करेंगे। मटर मिक्स होने के बाद अब जो गोभी को कट करके रखा था थोड़ी थोड़ी करके गोभी हम डाल देंगे। सारे मसाले के साथ में मिक्स करते जाएंगे। सारी गोभी को मैंने मसाले के साथ में मिक्स कर लिया है। अब ये कढ़ाई भर चुकी है, गोभी में हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। जैसे ही गोभी पानी छोड़ेगी कढ़ाई में जगह हो जाएगी। अब हम इसको ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। गैस को हम लो फ्लेम पर करेंगे। सब्जी को पकते हुए 5 मिनट हो चुकी है, इसका पानी था जो निकल चुका है। गोभी कढ़ाई में खूब सारी जगह हो चुकी है। अब हम इसको और पकाएंगे। अभी ये सब्जी पककर तैयार नहीं हुई है, एक बार और मिक्स कर देते हैं, फिर हम इसको ढककर 5-7 मिनट और पकाएंगे। सारी गोभी को मैंने फिर से अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम फिर से ढक देते हैं। सब्जी को मैंने 5-7 मिनट और पका लिया है और अब ये पककर भी तैयार हो चुकी है। इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। गैस को हम बंद करेंगे। सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हरे धनिया को मिक्स करने के बाद यहाँ मैं अब एक नींबू का रस डाल दूंगी। रस डालने से सब्जी हमारी चटपटी बनकर तैयार होगी। रस को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सब्जी को गर्मा गर्म हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। सब्जी को मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है, हम इसको गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। एक बार आप भी ये वाली गोभी की सब्जी बनाकर जरूर ट्राई करें, ये नॉर्मल मार्केट में मिली जाती है। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें।